देखा उसको 1000 रुपए मिलेंगे, वो फटाफट मान देगी। 1100 से फर्क नहीं पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा जो करोड़ों की प्रॉपर्टी आएगी उसे फर्क पड़ेगा। मुझे तो चल 1100 से मिलेंगे, लेकिन मैं तो तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टियां बनवा रही हूँ ना। अनु ने दिए, क्या हो गया? तो तू ये इसने कहन दे। अरे ये है इन दोनों की गठजोड़े की जात, जो इनकी शादी के बाद ही लगी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे, और जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं आ चुकी हूँ वापस से मम्मी के घर पे, क्योंकि जो है आज काबू की जात लगेगी। आज सप्तमी है तो आज काबू की जात लगेगी चंदू वाली माता के, और राहुल और नीतू की लगेगी गठजोड़े की जात। तो उसके लिए जो है हमें जाना है वहाँ पे। पहले आप लोग रात का वीडियो देख लो जो परी और काबू मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, उस टाइम मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी। और ये अभी भी मेरी छात ही खड़ी है, ये माता रानी है ना, छोटी सी माता रानी, अभी भी मेरी छात ही खड़ी है। सब नहा धो के हो गए हैं रेडी, ये देखो। वो अभी भी सुने, उसको ऊपर का सॉस ऊपर है, वो डर गया, इस बार ज्यादा डर गया। ए परी, नहीं थूक नहीं पाएगा, एक्टिंग कर रही है परी। नो ओचो ओचो बॉस बॉस गाइस, इसके चक्कर में ये रुला देती है इसको, ये रुला देती है इसको, बॉस बॉस बॉस। तो ये रहा भाई हमारा टकलू, मिल लो आप हमारी टकलू। क्या अच्छा लग रहा है ये टक्कू, टक्कू होके चोको का, चोको का ये टक्कू होके क्या अच्छा लग रहा है गाइस, पतला लग रहा है मुझे तो, आप लोग बताना, मुझे तो पतला लग रहा है ये, आप लोग बताना मुझे कैसा लग रहा है, कितना कमजोर हो गया, बाल हटते ही है, ऐसे कर दो पर इधर वो अपनी जलेबी चूटी हटा ले पीछे से, पर ऐसे करो, हाय गाइस, पर इधर देखे को वो उसी में झुका, मैं झुका। एक बार मिलवा देती हूँ सबसे, फिर चलते हैं माता रानी पे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने जो है थोड़ा लेट जाने का प्लान किया। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ऐसे ही जाओगी? हाँ। इन्हीं कपड़ों में? हाँ। क्यों? क्यों चेंज कर लो, कोई बढ़िया सूट पहनो, ये तो ऐसा लग रहा है रात को सोते वक्त पहनती हो जैसा। गाइस बताना सूती है, यूं बताना ऐसे लग रहा है। अच्छा ठीक है कोई नहीं। और ये रही हमारी परी रानी, परी रानी। और गाइस इधर वो दोनों हो गए हैं रेडी, राहुल तो शायद नहा रहा है अभी, है ना। गुड मॉर्निंग, हो गए रेडी? ठीक है चलो आ जाओ जल्दी से, फिर चलते हैं। मैं इसको दही खिला देती हूँ, कटोरी में जो रखा है वही है क्या? ठीक है। और गाइज उधर है पापा, और काबू छोरा है रेडी होके पापा के पास, पापा के व्लॉग्स चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री राम। और ये गुगला, गुगला ये इसका पापा शायद हरिद्वार से लेके आया होगा ये कुर्ता। अच्छा महाकाल का है भाई, गुगला छोरा है, इसको सो लेने दो अभी। तो गाइस गठजोड़े की जात क्या होती है, जो शादी में जो ये वाइट कपड़ा यूज किया गया था ना, इन दोनों के फेरे हुए थे जब, उस टाइम पे इसी की में गांठ बंधी थी, जो ननद ही बांधती है वही है ये गठजोड़ा। थंबनेल भी लगा दूंगी वीडियो में। तो इसमें क्या होता है, जो मम्मी जो ये पैसे दे रही है मुझे, मैं जो इसमें गांठ लगाऊंगी वो मैं राहुल के कंधे पे ये सफेद कपड़ा डाल के, और फिर नीतू ने जो पीली ऑर्डर रखा जो काबू हुआ था उसके कुआ पूजन पे जो ये पीली आया था, इस पीलिए से इन दोनों का जो है गठबंधन, गठबंधन जिसको बोलते हैं सरल अगर भाषा में मैं आपको बोलूँ तो इन दोनों का गठबंधन होगा, और उसके बाद इन दोनों की एक साथ जात लगेगी यहाँ पे। तो गाइज ये है इन दोनों की गठजोड़े की जात, जो इनकी शादी के बाद ही लगी थी, अब लगवा रहे हम। और काबू की आए मेन जात लगाने, तो हम यहाँ पे है ना, है ना। और ये चंदू वाली जो माता है, ये कुल देवी इनको आप बोल सकते हो, जो मतलब हमारे जो गांव है सरौल, वहाँ की कुल देवी है ये, तो यहाँ की जात लगानी बहुत जरूरी होती है। गाइस ये काबू रोने लग गया, तो उसकी मासी और मौसा जी देखो कैसे उसको चुप करवा रहे हैं, गर्मी हो रही है ना। कौन सा गीत गा रहे हो? अच्छा जय माता दी।
यहाँ पर ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पूरा मेला लगता है अच्छी तरह। सप्तमी जो होती है उस दिन, क्योंकि बहुत सारे गांव की जात जो है वो यहीं पे चंदू वाली माता पे लगती है। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज हम लोग सुबह सुबह रेडी होकर फिर से जा रहे हैं इनके घर पे कमाई के लिए, क्योंकि मेरा जो है कमाई का साधन बन चुका है 31 वाला घर। और हम लोग किस लिए जा रहे हैं, आज जा रहे हैं क्योंकि जो गांव है हमारा सरौल, वहां पर ये जो रईस आदमी है ये और भैया मिलके एक और प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो भगवान करे, मैं तो यही मांगती हूँ कि भगवान करे ये प्रॉपर्टियां बनाते रहें और मैं तोता बांधने जाती रहूँ। तोता बांधने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे नेक होता है कि 1011 से उस फर्क नहीं पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा जो करोड़ों की प्रॉपर्टी आएगी उसे फर्क पड़ेगा। मुझे तो चल 1011 से मिलेंगे, लेकिन मैं तो तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टियां बनवा रही हूँ ना, मैं तो तुझे करोड़पति अरबपति बनवा रही हूँ ना, तो तुझे मेरे को थैंक यू करना चाहिए। 1100 की जगह डबल नेक देना चाहिए, समझा? पहले प्रॉपर्टी आने दे, दूसरी नहीं हो, जब देंगे। तो गाइस, तोता बांधने का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले चौखट लगती है, उसके बाद जो है लेंटर वगैरह डलता है। तो जब चौखट लगती है ना, तो उसमें जो है घर की बहन बेटियां वो तोता बांधती है। मैं वही बता रहा था अभी कि ना, इसमें ऐसे होता है जैसे अब बांधेगी अलका दिया और परी। हाँ। और हमसे जो पहली जनरेशन थी उसमें बांधती थी जैसे बुआजी और अलका हर। हाँ। तो मतलब जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, जैसे जनरेशन चेंज हो गया, अब मेरी वाली आ गई तो अब इनका हो गया, इससे पहले अलका और बुआजी हर का था, अब अलका का और इनका हो गया टिया और परी का। अब इससे आज जब अगली जनरेशन आएगी काबू हर वाली, फिर तो उसमें कह रहा है तेरा नंबर कट क्योंकि तू इतने तो तू एक प्रॉपर्टी के पैसे तो वैसे ही ले जाएगी यहां से, तो तेरा नंबर कट। नहीं, मेरा नंबर कट नहीं होगा भाई, मैं तो अपना नंबर पूरी जिंदगी रखूंगी। और मेरे को पता है, मेरे को तो मेरा काबू इतना ज्यादा प्यारा है, इतना ज्यादा प्यारा है। तू तो रहन दे फंडी, तू तो रहन दे, छोड़ेगा ही नहीं। हां मुझे भी, और वैसे भी एक लौती बुआ हूं मैं, दोनों घर में एक लौती हूं, तो मुझे कैसे छोड़ सकते। तुझे तो परी भी प्यारी थी, है रे, तुझे तो परी भी प्यारी, इसको कह रहा हूं मैं, तुझे तो परी भी प्यारी थी, फिर क्या हो गया? दोनों वो एक जगह है, पर काबू अभी सबसे छोटा है ना, गुलगुला सा है, तो इसलिए जब टिया हुई थी तो टिया सबसे प्यारी थी, फिर अयान हुआ तो अयान सबसे प्यारा हुआ, फिर परी हुई तो टिया को तो इतने उससे रखते थे, क्योंकि जब पहले भाई हमारे घर में पहला बच्चा आया था, मतलब भाई सबसे पहले भाई, ऑफ कोर्स भैया की शादी होनी थी, वो बड़े थे तो हाँ। तो सबसे पहले भैया की हुई थी, तो फिर जब टिया आई थी तो भाई टिया से भाई फुल ऑन हम वो करते थे, मतलब भाई एक तो वो जाती नहीं थी किसी और के पास, उसका स्टार्टिंग से ये था कि वो जाती नहीं थी, मतलब मेरे पास चली गई या फिर मतलब अपने फैमिली, मतलब सिर्फ भैया भाभी के पास। हाँ। वो भाभी के पास, भैया के पास भी नहीं। मेरी शादी में तो उसने ऐसा तगड़ा बवाल मचाया था कि भाभी को बैठने, क्योंकि मेरी शादी में चार महीने की थी ना वो, इसलिए। हाँ। उसके बाद भाई फिर आई परी, फिर परी सबकी भाई इतनी होगी, फिर आया, फिर इसको ये स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत प्यारा लगता था, फिर ये बदल गया, फिर इसलिए मेरा और इसका लगाव कम हो गया, फिर मेरा और इसका लगाव कम हो गया, फिर आई परी, फिर परी से तो भाई अटैचमेंट था ही, अब काबू आया तो काबू से भी है अटैचमेंट, मतलब देखो सीधी सी बात है, सबको भाई बच्चे तो दोनों प्यार होते हैं, पर मेरा परी से ज्यादा अटैचमेंट है स्टार्टिंग से, और परी का तो मेरे से भी बहुत ज्यादा हो गया। पापा जी नमस्ते, सो लिए भाई? पापा खा रहे हैं खाना इधर व्लॉग देखते हुए, और उधर चलते हैं, वो बैठी है मेरी परी रानी, वो बैठी है मेरी परी रानी, राधे राधे। क्या हो गया, आप क्यों दुखी हो रही हो इससे? अरे छोटी बच्ची है, कोई बात नहीं, आज गुच्छा नहीं गलते, आ जाओ चोटी चाटी बना के तैयार बैठी है, उतारो ले लो। और वो भाई छोला है, छोटा छगुला छोई छोई कर ला है, अरे उसके बेचारे की पोटी नहीं बंद हो रही। गाइस जब से जात लगवा क्या है ना, पता नहीं कैसी नजर लगी है किसी की, ऐसी नजर लगी है, बेचारा इतना बीमार हो रखा है, जब से आया तब से बेचारे के लूज मोशन इतने ज्यादा हो रखे हैं। देखो आ गई मेरी लाडो, आ गई, अरे मेरी लाडो आ गई, आ गई आ गई, हाँ पापा छे भी मिलेगी। अरे बोल जा, किसी कर रही ऊपर मुंह कर करके, पापा बिजी है बेटा, पापा बिजी है। हेलो हेलो मेरी लाडो लाडो मेरी लाडो लाडो, ओए आवाज सुन के ये भी उठ गया। ओ काबू कैसे बोलता भैया, ओ काबूड़ा, ओ काबूड़ा, अयन बोलियो एक बार। तो गाइस हम है ना निकल गए हैं अभी घर से, और हमने ले लिया है टिया को अपने साथ। हाय टिया, थोड़ा इधर तो हो जाओ, दिख ही नहीं रहे हो। और वो बैठी परी,
और ये बैठा आया, ये सोशल मीडिया के चासडू है, ये टिया और इसकी बुआ दोनों एक जैसे थे। जब वो कहती ना हाय पर वो हाय टिया फटाफट हाय बुआ, ये दोनों एक जैसी है। हाँ तो बुआ भी जाएगी भतीजी और किसकी जाएगी, है ना। काबू तो जाता जा रहा है टिया आयु के ऊपर, आयु के ऊपर जाता जा रहा है सेम टू सेम। चाचू बताएगा कैसे जा रहा है, शक्ल से बाय फेस बाय फेस ही जा रहा है, बाय फेस बिल्कुल। टिया टिया इधर आओ बेटा, अरे थोड़ा सा तो इधर। अच्छा टिया 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 आज तो कमाई होगी टिया, तो मजा आएगा। हम दोनों बुआ भतीजी मिलके शॉपिंग पे चले, हम इनको कह देते हैं कि हमें ना पैसे मत दो। मम्मा शॉपिंग करने जा रही है, फायदा क्या होगा। अरे मम्मा तो तेरी मम्मा तो अपने लिए जा रही, तेरे लिए थोड़ी जा रही है। अच्छा तो तेरे पैसों की हम पार्टी कर लेंगे, खा लेंगे कुछ और क्या। नहीं भाई बोलो चाचू, हम क्यों दे, हम क्यों दे अपने पैसे पार्टी करने के लिए। देखा उसको 1000 रुपए मिलेंगे, वो फटाफट बांध देगी। हाँ भाई इस बात बांध देगी आराम से, ये लो। ना 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 लगे ना लगे, बस यहीं तो बांध देगी। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है तो तेरे बांधती रहे। जाल का इनके दोनों हाथ लगवा ले इस पे। जाओ टिया पड़गी छोटी, पड़गी छोटी। बस बांध दे। तू अटिया मेरे हाथ लगा लो बेटा, पड़ जाएगी रहने दे। साइड में निकाल दे कहीं भी, कोई सी तरफ भी निकाल दे। हाँ साथ ही निकाल दे, दोनों दोनों तरफ निकाल दे, ठीक है ना। बस इधर आ, इधर भी निकाल दे। भाई हाथ लगा लो, भाई हाथ लगाओ, हाथ लगा। आयु आयु इधर तो जा, क्यों शर्मा रहा। कोई बात नहीं, नानू ने दिए, क्या हो गया। तो तू ये इसने कहन दे। अरे नानू ने दिए, नानू ने दिए, तुझे क्या दिक्कत है। और टिया की भी भाई कमाई हो गई। और परी के कहाँ गए, ओए राहुल परी के कहाँ गए। परी के पापा दे दिए। अच्छा पापा के दे दिए, ठीक है चलो भाई चलो। तो गाइज यहाँ पे बंद चुका है तोता, और अब ये बनेगा, ऊंची बिल्डिंग बनेगी काफी ऊंची। और गाइज आजकल जो है मौसम का कोई भरोसा नहीं है, घर आते आते घर आके बस चेंज किया है। दिन में बहुत तेज धूप थी, और अब देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो गाइज मौसम का क्या हाल हो चुका है, बारिश आ रही बहुत तेज, और दिन में इतनी तेज धूप थी, इतनी ज्यादा। अगर इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले तक भी बहुत तेज धूप थी, मैं आयान को जब लेके आई थी तब उस टाइम बहुत तेज़ धूप थी, और अब देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कोई भरोसा नहीं है आजकल मौसम का। तो गाइज इसी मौसम के बदलाव के साथ, बारिश के साथ, और इतनी तगड़ी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, देखो पेड़ कितनी बुरी तरह हिल रहे हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आंधी आ गई है बहुत तेज़, गेट बंद कर लिया जाए, बहुत ही तेज़ आंधी चल रही है, बहुत ही तेज़। और हमारे प्रैंक्स को इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहो, ब्लॉग्स को भी प्यार देते रहो, हमें जानते रहो, पहचानते रहो, और कहीं भी जहाँ भी आप लोगों को प्यार और सपोर्ट दिखाने का मौका मिले प्लीज़ दिखाना।